ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भजामि राधाङ्गमरविन्दनेत्राङ्ग स्मरामि राधाङ्गमधुरस्मितास्याङ्ग बदामि राधां करुणाभराद्रां तत्त्वमन्यास्ते गतिर्न क्वापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हाँ, बड़े हर्ष की बात है, आनंद की बात है। मैं राधा रानी की जन्म महोत्सव को उपलक्ष्य करके मैंने आज हालांड में आया हूँ। 3 दिन तक गीता सेमिनार वेबसाइट में जहाँ पर ये लोग करते हैं वहाँ पर राधा जी की तत्वों के ऊपर में हम लोग 3 दिन तक डिस्कशन करेंगे। इसलिए ये राधा रानी कौन है, बोले राधा रानी और कोई नहीं, श्री चैतन्य चरितामृत में बताया, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात् देकात्मना भुवि पुरा देहा भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्य प्रकरण मधुना तद्वयम् चैकमाप्तम् राधा भाव दुति सुवलितम् नौमी कृष्ण स्वरूपम्। बोले राधा रानी और कोई नहीं, कहते कृष्ण का प्रेम ही एक रूप जब धारण करती है, कहती है श्री राधा रानी, कहती है कृष्णा ये स्वयं रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखिल रसामृत स्वरूप है भगवान कृष्णा, जिसको वेदों में जिनको एकमेव अद्वितीयम् बताए। लेकिन भगवान जब एक होते हैं, आत्माराम आप्तकाम होते हैं, लेकिन होते हुए भी उनका रसास्वादन करना उनका एक स्वभाव है। इसलिए भगवान कृष्ण रसास्वादन करने के लिए वो स्वयं राधा रानी को ही ये प्रकट करती हैं। ये राधा रानी और कहीं नहीं, कृष्ण का जो प्रेम है जब एक अलग रूप धारण करती हैं, कहती है श्रीमती राधा रानी, जिसको वेद में बताया जापि राधा सापि कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधाभिर्नम राधा माधव स्वरूपम। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल लीला स्वादन करने के लिए वो दो रूप में ही प्रकट होते हैं। इसलिए कहते जो राधा रानी, कहते राधा रानी कौन है, इनका नाम राधा नाम क्यों पड़ा, इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में गौतम तंत्र में राधा रानी की महिमा को बताए। बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सन मोहिनी परा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं राधा रानी की सब अलग अलग नाम है। कहते अलग अलग नाम क्यों, बोले कारण है राधा रानी विभिन्न रूप में कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती हैं, इसलिए उनका एक नाम है देवी। देवी मतलब होता है बड़ी सुंदर, जिनसे सुंदर पृथ्वी में और कोई है नहीं। कृष्ण सर्वसुंदर है, कृष्ण रस स्वरूप है, लेकिन जब राधा रानी के रूप को कृष्ण दर्शन करते हैं, कृष्ण कहते हैं मेरे रूप दर्शन करके ये दुनिया मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा जी को दर्शन करती हूँ मैं स्वयं राधा जी के रूप दर्शन करके मैं भी स्वयं पागल बन जाता हूँ।
इसलिए कलयुग में राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अंग कांतियों को लेकर के श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में जगत में आते हैं। इसलिए देवी मतलब द्योतमाना परमा सुंदरी, जो बड़ी सुंदरी है। बोले दूसरी नाम है बोले कृष्णमयी। कृष्णमयी का मतलब है कृष्ण जिसका बाहर और भीतर है। जहाँ राधा रानी के नेत्र पड़ती हैं वहाँ पर कृष्ण को छोड़ करके उसको और कुछ भी दिखती नहीं। सर्वत्र केवल कृष्ण 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 ही दर्शन करती हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम में इसलिए उनका नाम एक है श्यामा। श्यामा मतलब कृष्ण प्रेम रसों में जो एकदम डूबी हुई है, इसलिए उनका नाम है कृष्णमयी। तीसरा नाम है राधिका। बोले राधिका नाम क्यों पड़ा? बोले अनया राधित नूनम भगवान हरिरीश्वर। बोले रास में जब राधा रानी मान करके रास छोड़कर चली जाती हैं और कृष्णा उनको एकांत में लेकर के बड़े श्रृंगार वट में अपना हाथों में सुंदर पुष्पों से राधा रानी को श्रृंगार करती है। इधर गोपियाँ कृष्ण को ढूंढती हैं, राधा रानी कहाँ गई? हठात देखा कृष्ण के सुंदर चरण छा पड़ा हुआ, लेकिन उसको बीच में देखा एक सुंदर किसी किशोरी की बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर कोई चरण का छा पड़ा हुआ है। तो गोपियाँ कहती हैं यद्यपि कृष्ण को सभी ने सेवा की है, लेकिन देखो देखो तो सही कृष्ण किसी को अकेला किसको लेकर के जाते हैं। कहती बीच में जिसका चरण का चिन्ह पड़ा हुआ श्री सुखदेव गोस्वामी और राधा रानी के पक्ष का गोपियाँ कहती हैं बोले अनयाराधित नूनम। कि यद्यपि सब गोपी अभिमान करती हैं हम कृष्ण का सबसे प्यारी है, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी राधा जी की पक्षी गोपियाँ कहती हैं लेकिन देखो देखो तो सही कृष्ण सबको छोड़ करके किसको अकेला लेकर गए? बोले श्री राधा रानी को। बोले क्यों? बोले अनयाराधित नूनम। यही सखी ने ही कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ रूप में सेवा की, इसलिए कृष्ण अकेले श्री राधा रानी को लेकर के जाते हैं। इसलिए उनका नाम है राधा। राधा मतलब कृष्ण न आराध्यते इति राधा। कृष्ण भी जिनको आराधना करते हैं, इसलिए वृंदावन में श्री सेवा कुंज है। इसलिए रसखान कहते हैं बैठ पै लोट राधिका पायन। कहते हो परम ब्रह्म को वेद में भी ढूंढा, उसको पुराण में भी ढूंढा, उसको सारी ऋचा में भी ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं। लेकिन ढूंढते ढूंढते जब मैंने वृंदावन में गया देखा सेवा कुंज में उनको मिले। बोले किस रूप में? बोले बैठ पैलोट राधिका पायन, जहाँ पर राधा जी के चरण की सेवा करते हुए वो परम ब्रह्म वहीं पर मिलते हैं। इसलिए बोले कृष्ण ने आराध्यते इति राधा। कृष्ण भी जिनको आराधना करते हैं इसलिए उनका नाम राधा है। इसलिए देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता। परा देवता का मतलब होता है जगत में जितने शक्ति है भगवान का, सारे शक्तियों का जो मूल है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। कहते जिनकी चरण की सेवा उमा रमा सत्या सती चंद्रा रुक्मिणी, कहती ये कौन है? बोले श्री राधा रानी की ये सबके सब प्रकाश है। इसलिए ये राधा रानी सभी शक्तियों का सभी देवियों का ये मूल शक्ति श्री राधा रानी। इसलिए इनको बताया राधिका पर देवता। बोले सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। बोले सर्व कांति का मतलब है कृष्ण को कि जितने तरह का इच्छाएं हैं सारी इच्छाओं को कौन पूरी करते हैं? कहते राधा कृष्ण कोई अलग नहीं। इसलिए कृष्ण का मन में जितने सारे भावनाएं वो अपनी आप स्वतः श्री राधा रानी में ही अपनी आप प्रकाशित होता है। कृष्ण की सारी इच्छा को राधा रानी समझ करके कृष्ण की इच्छा से पहले ही राधा रानी जिनकी सारी इच्छा पूरी कर देती हैं, इसलिए इनको सर्व कांति इनको बताया गया। इसलिए कोई एक बहुत बड़े कवि हुए हैं संत हुए हैं, एक समय उन्होंने बोले मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। बड़े बड़े संतों के पास में पद गया, बड़े खुश हुए।
लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी के पास में आता है, श्री जीव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक लेकर के उनको पास में भेजते हैं। अगर कृष्ण भक्ति को कोई पाना चाहते हैं, जब तक तीन चीज आपको प्राप्त नहीं हो तब तक राधा रानी को कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बोले वो तीन चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटबिम असंभास तद भाव गंभीर चितान कुतः श्याम सिंधु रस श्याव गाव। अगर कृष्ण भक्ति रस समुद्र में कोई स्नान करना चाहते हैं, पहले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु राधा रानी के चरण की धूल का एक में आश्रय लेना पड़ेगा। दूसरा चीज है राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित जो वृंदावन धाम है, वो वृंदावन धाम को आश्रय लेना पड़ेगा। सबसे जो कीमती चीज है राधा रानी की प्रेम समुद्र में जो गोता लगाए हुए जो संत हैं, बोले जब तक उनका चरण को कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता है, बोले कहाँ कृष्ण भक्ति रस समुद्र में कहाँ तुम गोता लगा सकते हो। इसलिए जब तक किसी राधा रानी की कृपा नहीं हो, कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले राधिकार दासी जदि हाय अभिमान शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान। बोले कृष्ण कब मिलेंगे? अगर किसको ये अभिमान आ जाए, हम तो श्री राधा रानी की दासी दासी दासियों का दासी है, तभी उनको शीघ्र श्री कृष्णचंद्र प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसको कृष्ण भक्ति रस में स्नान करना हो, कृष्ण भक्ति पाना हो, सबसे पहले राधा रानी की कृपा चाहिए। इसलिए हमारा संप्रदाय को ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। गौड़ीय मतलब श्री गौरी श्री राधा रानी की जो चरण को आश्रय करते हुए जो भजन करते हैं, इसका मतलब श्री गौड़ीय है। इसलिए हम लोग श्री राधा जी की तत्व को ऊपर में राधा रानी की कथाओं को हम तीन दिन तक हम श्रवण करेंगे। इसलिए आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं हमारे गीता सेमिनार पर, और वेबसाइट में उसमें एड्रेस दिया हुआ है, वो एड्रेस को आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर तीन दिन तक हम राधा जी के तत्वों को पर में हम विवेचना करेंगे। ललिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वंशा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधु वैवच पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।